कि कृपया उनकी रथ के आगे से थोड़ा सा जन आशीर्वाद यात्रा का विधानसभा जरूरी है, तुम्हारे बेटे जी करेंगे नहीं जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके बीच में और लोगों के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं एक ही निवेदन कर, ये जन आशीर्वाद यात्रा हम लोग कल से महामाई कालका देवी मंदिर से शुरू करके 6 विधानसभाओं में कल हम लोग गए और आज प्रातःकाल रातौर, बाद में लाडवा और शाबाद, यहाँ से मुलाना, अम्बाला कैंट, अम्बाला छावनी, ऐसी 6 विधानसभाओं का कार्यक्रम आज भी है। पूरा 90 विधानसभाओं की यात्रा करने के बाद 8 सितंबर को रोहतक में इसका समापन होगा। अपने नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हमको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ आएंगे। हमारी इच्छा है कि हरियाणा की जनता जितनी ज्यादा जनता यहाँ पहुँच सकेगी, देश के प्रधानमंत्री हमको आशीर्वाद देंगे और आपका आशीर्वाद हरियाणा के नाते से मैं स्वयं, हमारी प्रदेश की टीम आपका आशीर्वाद लेने के लिए वहां रहेंगे। इस आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य यह है कि 2014 में हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से सत्ता में एक संकल्प लिया था कि गर्मी बहुत है। इस नाते से जो काम हम कर रहे थे, हमारे विपक्षी नेताओं ने बहुत प्रकार के ऐसे ऐसे उपहास करने शुरू किए, इन लोग तो नए, इन लोगों को कोई अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है, ये लोग तो अनाड़ी है। हमने कहा कि हमारा अनुभव वो तो नहीं जो आपका है, आपका अनुभव लूटने का, घुसोटने का, भ्रष्टाचार का, अपना घर भरने का, अपने बेटे बेटी पोते पोती दोते दोती साले भतीजे जीजे सबका घर भरने का है। आप अपने परिवार को धन कुबेर बना करके
खोकर निकलना चाहते हैं। हमने कहा हमारा अनुभव ऐसा तो नहीं है, अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं परिवार, हम भी अपने को बढ़ाना चाहते हैं। अंतर ये है, आपका परिवार एक चार दीवारी के अंदर रहने वाला परिवार, बेटे बेटियां पोते पोतियां दोस्ते पोतियां साले जीजे बहनोई, ये सबके सब आपके परिवार के लोग, हमारा परिवार, हमारा परिवार ये ढाई करोड़ जनता हरियाणा की, ये मेरा परिवार है। मैं इसको आगे लाए, सिस्टम बदले, समाज को बदलने के लिए कई काम किए।